आज राहुल गांधी का मुंह क्यों बंद है? आज इन नेताओं का, अखिलेश यादव का मुंह बंद क्यों है? आज बहन मायावती जी चुप क्यों है? क्योंकि सही मायने में इन्हें सिर्फ एक ही समाज की राजनीति करनी है, कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम समाज की राजनीति करते हैं। और ये जो बहुसंख्यक हिंदू है पूरे विश्व में, इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। अब कहीं भी पूरे विश्व में हिंदुओं पर अगर कोई अत्याचार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका जवाब देगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मेरठ के व्यापार संघ के अध्यक्ष के साथ साथ सभी व्यापारियों ने पूरा कामकाज ठप किया है। फिलहाल हमारे साथ हैं मेयर हरिकांत अहलूवालिया। हरिकांत जी, जिस तरह से पूरा व्यापार आज ठप है, कहीं ना कहीं बात की जाए जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर के आज व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के, किस तरह से आपका शांति प्रदर्शन रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आज हमारे हिंदू संगठनों ने अपील करी थी और हम सब जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, आज हम सब एक हिंदू होने के नाते यहाँ पर आए हैं। सही मायने में हिंदू समाज एक विशाल समाज है पूरे विश्व में और एक सम्मानित समाज है। हिंदू हमेशा रहता है शांति के साथ, मगर जिस तरीके से ये बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये पूरा विपक्ष जो है, जो यहाँ पर इसको देख रहा है, आपने देखा होगा कि आज राहुल गांधी का मुंह क्यों बंद है, आज इन नेताओं का, अखिलेश यादव का मुंह बंद क्यों है, आज बहन मायावती जी चुप क्यों हैं? क्योंकि सही मायने में इन्हें सिर्फ एक ही समाज की राजनीति करनी है। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम समाज की राजनीति करते हैं, और ये जो बहुसंख्यक हिंदू है पूरे विश्व में, इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। तो ये पूरा देश इस चीज़ को जान गया है। और आपने कहा कि ये व्यापारी समाज, मगर सही है, व्यापारी समाज हमारा विशाल समाज है, बहुत ही सम्मानित समाज है, मगर उनके साथ साथ हज़ारों मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिकगण, हमारे हज़ारों मातृशक्ति, आज आपने देखा होगा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और सबने एक आवाज़ उठाई है कि आज से ये ज्वाला यहाँ पे जाग चुकी है। अब कहीं भी पूरे विश्व में हिंदुओं पर अगर कोई अत्याचार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका जवाब देगा। और ख़ास तौर पे आज से एक क्रांति के रूप में हिंदुओं ने आज से यहाँ पे आवाज़ उठा दी है। तो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर के मेरठ में हिंदू समाज के लोग और व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर शांति प्रदर्शन किया है और प्रशासन के लिए ज्ञापन सौंपा है।